पटाख 30 सेकंड में हर खबर, डाउनलोड कीजिए तक ऐप। टैक्स में राहत के तौर पर सरकार से क्या क्या मिल सकता है ये तो हमने देख लिया। अब जानते हैं कि कौन सी रियायतें हैं जिनको देने की सरकार से मांग की जा रही है, लेकिन ये मिलेंगी या नहीं इसका खुलासा 1 फरवरी को बजट भाषण के दौरान ही हो पाएगा। टैक्स छूट की बेसिक लिमिट बढ़ाने की मांग। इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक एक तय आमदनी तक किसी को टैक्स नहीं देना होता है। मौजूदा समय में टैक्स छूट की लिमिट 2.5 लाख रुपए है। ये पिछले करीब 8 सालों से नहीं बढ़ी है। आखिरी बार टैक्स छूट की लिमिट को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दिया गया था। मुमकिन है कि इस बार टैक्स छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया जाएगा। अगर सरकार बजट में टैक्स लिमिट बढ़ाने का फैसला करती है तो फिर ये करोड़ों लोगों की मुराद को पूरा करने वाला फैसला होगा। धारा 80C के तहत निवेश पर बढ़ सकती है टैक्स छूट। बेसिक लिमिट के अलावा चुनिंदा निवेश विकल्पों में पैसा जमा करने पर भी आयकर कानून की धारा 80C के तहत छूट मिलती है। मौजूदा समय में धारा 80C के तहत कुछ जगहों पर निवेश या खर्च करने पर 1.5 लाख रुपए की छूट मिलती है। पिछली बार 2014 में इसे 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दिया गया था। नौकरी पेशा के लिए धारा 80C टैक्स बचाने का सबसे महत्वपूर्ण जरिया है। अगर इस सेक्शन के तहत छूट की सीमा बढ़ाई जाती है तो फिर करोड़ों लोगों को टैक्स का बोझ घटाने में मदद मिलेगी। 80C की डिडक्शंस में एक क्वांटम होता है FD का, फिक्स FD के डिपॉजिट्स करते हैं तो 80C की इन्वेस्टमेंट्स के लिए अप्लीकेबल होती है, लेकिन वो 5 साल के लिए करनी पड़ती है। आजकल के टाइम में 5 साल तक के लिए फंड्स ब्लॉक करना बहुत आराम इजी नहीं होता है, तो यदि उसको थोड़ा टाइम घटा के 3 साल कर दिया जाए तो भी अच्छा रहेगा। दूसरा, जैसे 54 वगैरह में 54 टाइप के जो घर बेचने पे जो एग्जम्पशंस मिलती है सेक्शन 54 में, वो किसी दूसरे घर में लगाओ या उस टाइप का इन्वेस्टमेंट कहीं बॉन्ड्स वगैरह में करने पर लगती है, यदि उसकी इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी आप बैंक की FDs को 5-6 साल के लिए अप्लाई करके मतलब एग्जम्पशंस लिस्ट में इंक्लूड कर दिया जाए पर्टिकुलरली फॉर सीनियर सिटीजन्स, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस बार के बजट से उम्मीद ये भी है कि एक बार फिर इस सीमा को बढ़ा दिया जाएगा। मेडिकल खर्चों पर टैक्स छूट बढ़ाने की मांग। कोरोना काल में मेडिकल पर खर्च इतना तेजी से बढ़ा है कि हर एक शख्स अब अपने मेडिकल खर्चों पर मिलने वाली टैक्स छूट में बढ़ोतरी चाहता है। जिन्हें कोरोना हुआ उन्हें तो मेडिकल का खर्च करना ही पड़ा, लेकिन जिन्हें नहीं भी हुआ वो भी सैनिटाइजर, मास्क, तमाम टेस्ट वगैरह पर भारी भरकम खर्च कर रहे हैं। वहीं दवाइयों की बढ़ी कीमतों की वजह से मेडिकल के खर्चे बढ़ गए हैं। ऐसे में हर नौकरी पेशा यही चाहता है कि मेडिकल खर्चों पर मिलने वाली टैक्स छूट को बढ़ाया जाए। मौजूदा समय में पति पत्नी और बच्चों के हेल्थ इंश्योरेंस के लिए चुकाए गए 25,000 रुपए तक के प्रीमियम पर टैक्स छूट मिलती है। इसके अलावा पेरेंट्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने पर भी 25,000 रुपए तक के प्रीमियम पर आयकर छूट दी जाती है। अगर पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस के 30,000 रुपए तक के प्रीमियम पर इनकम टैक्स छूट मिलती है। 80C के तहत बैंक की 5 साल की FD पर टैक्स छूट मिलती है। भारतीय बैंक एसोसिएशन ने मांग की है 3 साल की FD को टैक्स फ्री किया जाए। दरअसल टैक्स फ्री FD के लॉक इन पीरियड को घटाने से निवेश का ये विकल्प दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से मुकाबला कर सकेगा। बैंकों के ब्याज दरों में भारी कमी से भी इसका आकर्षण घटा है। काफी लोग म्यूचुअल फंड और शेयर्स में भी निवेश कर रहे हैं और 5 साल की FD से बचने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में टैक्स सेवर ऑप्शंस में 3 साल की FD को भी शामिल किए जाने से इसमें लोगों को लुभाना आसान हो सकता है। अब देखना यही है कि उम्मीदों के इस पिटारे में किस किस पर इस बार सरकार रियायत देने का ऐलान कर सकती है, जिससे बढ़ती महंगाई से परेशान लोगों के लिए गुजारा करना आसान हो जाएगा।